सो हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो हम लोग कोड फोर्सेस 893 का प्रॉब्लम सी देखेंगे। तो क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक बार समझते हैं। ओके तो बेसिकली गाइज, हमें दिया होगा एन। एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें एक परमुटेशन रिटर्न करना है जो कि जिसकी लेंथ होगी एन के बराबर, और उस परमुटेशन की कुछ स्पेशल कंडीशन होगी, वो अभी डिस्कस करेंगे क्या है। तो परमुटेशन आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले परमुटेशन क्या होता, परमुटेशन एक ऐसा एरे होता है जिसमें सारे नंबर प्रेजेंट हो एक से लेके एन तक। ओके, कोई भी नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए, बट उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ओके, उसे हम परमुटेशन बोलेंगे एन साइज का। ओके ऑल राइट, अब लेट से कोई हम परमुटेशन रिटर्न करेंगे सिक्स लेंथ का, और उसके एलिमेंट हैं एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स। ओके, अब ये बोल रहा है इस परमुटेशन की स्पेशलिटी होनी चाहिए कि जब हम जीसीडी निकालें ना टू कंजुकेटिव इंटीजर्स का, जैसे इसका जीसीडी निकाला आया G1, इसका निकाला आया G2, ओके, इनका निकाला आया G3, इन दोनों का निकाला आया G4, देन X5 X6 का निकाला आया G5। ओके, एंड देन X6 के साथ निकालेंगे X1 का भी, क्योंकि हम इस परमुटेशन को हम सर्कुलर ट्रीट करेंगे। ओके, तो X6 एंड X1 का जब निकालेंगे लेट से, तब आया G6। ओके, तो ये बोल रहा है कि G1, G2, G3, G4, G5, G6, इनमें से मैक्सिमम नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो हमें ऐसा परमुटेशन रिटर्न करना है। ओके, अब GCD क्या होता है, GCD हमें क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ये मे बी प्रॉब्लम आपको काफ़ी इजी लगेगा। ओके, अब देखो GCD क्या है, एक बार समझते हैं। GCD की फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, लेट्स से अगर दो नंबर हैं 6 और 4, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम डिवाइजर होगा इन दोनों नंबर का, वो होगा बेसिकली GCD। ओके, अब हमें पता है कि डिवाइजर जो है वो इस मिनिमम वाले एलिमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो इससे कम रहेगा या इसके बराबर रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेट से अगर हम 6-3 का GCD निकालें तो आएगा 3, बट 6-4 का निकालें तो आएगा 2। ओके, तो कभी भी GCD जो है GCD ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, ये कंडीशन हमें आइडिया होना चाहिए अगर हम GCD की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब देखो करेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को, तो वो बात समझने वाली है। लेट्स से हमारे पास एन है 6। ओके ओके, लेट्स से इसमें जो मैक्सिमम नंबर है वो है 6, मिनिमम नंबर है 1, तो आपको बताना है 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स एन माइनस 1 तक कौन सा ऐसा मैक्सिमम नंबर है जो 6 को डिवाइड करेगा। अब हमें पता है ना ही 4 डिवाइड करेगा ना 5 डिवाइड करेगा, करेगा डिवाइड 3। अब यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि जो हमारा GCD होगा ना एरे का, उसमें से कोई भी GCD 3 से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, हम 6 के साथ कोई भी नंबर पिक कर लें, GCD 3 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। ओके, ये बात थोड़ा सा नोटिस करने वाली है, क्योंकि अगर हम 4 और 2 को पकड़ें तो आपको पता है उसमें से ऑब्वियसली बात है कि जो GCD होगा वो मिनिमम वाले एलिमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, तो इस केस में अगर हम 4 और 2 को लें तो GCD हमारा 2 होगा, 6 और 3 को लिया तो 3 होगा, तो हमारा जो मैक्स GCD होगा ना इस एरे का, मैक्स GCD वो होगा 3। ओके, एंड देन 3 के बाद आएगा 2, तो हम देखेंगे क्या 2 पॉसिबल है GCD। 2 पॉसिबल है अगर हम 4 और 2 को साथ में रख दें। ओके, 2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, क्या 1 पॉसिबल है? ऑब्वियसली 1 तो पॉसिबल होगा अगर हम 1 2 को साथ में रख दें, 1 5 को साथ में रख दें, तो 1 तो पॉसिबल होगा। ओके, तो आप देखिए 3 से ज़्यादा GCD आएगा नहीं, और ये सारे GCD हमने कवर कर लिए अपने एरे में 1 2 3। ओके, ये सारे GCD कवर हो गए, तो ये 3 कैसे आया था, जब हमने 6 के साथ 3 रखा, एंड 2 कैसे आया, जब हमने 4 के साथ 2 को रखा, एंड 1 कैसे आया, 1 तो आप 5 के साथ 1 को रख दें या 1 को किसी के साथ रखते हैं बनाएगा। ओके, तो आप देखिए यहाँ से GCD आया 3, यहाँ से आया GCD 1, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 1। ओके, एंड देन 1 एंड 6 के बीच में GCD आएगा। ओके, 1 एंड 6 के बीच में आएगा GCD 1, तो आप देखिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट नंबर कितने हैं, 1 2 3, ये 3 डिस्टिंक्ट नंबर हैं, तो बेसिकली हमारा ये एक पॉसिबल परमुटेशन हो सकता है। ओके, अब देखो करेंगे कैसे, लेट्स से कोई एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ा सा टेस्ट केस डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स से एन हमारे पास है 10। ओके, अब आप बताओ इस केस में मैक्सिमम GCD हमारे परमुटेशन का क्या होगा, तो 10 के साथ हम किस नंबर को लेके आए जो मैक्सिमम GCD देगा। ओके, तो ऑब्वियसली है 10 के साथ अगर हम 5 को लेके आए तो वो मैक्सिमम 5 देगा, और 5 से ज़्यादा GCD आएगा ही नहीं। ओके,
आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि 5 से ज़्यादा जीसीडी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो एन का डिवाइजर होगा ना वो आपको मिलेगा एन बाई टू के बराबर या एन बाई टू से कम। ओके, तो 10 का डिवाइजर आपको मिलेगा या तो 5 होगा या 5 से कम में हमें डिवाइजर मिलेगा। ओके, तो इस केस में हमारा 5 डिवाइजर है। तो और हमें पता है जीसीडी मिनिमम से ज़्यादा हो नहीं सकता, और मिनिमम इस केस में 10 एंड 5 के केस में है 5, तो मैक्सिमम जीसीडी जो होगा वो हमारा 5 होगा इस पूरे परमुटेशन का। ओके, अब देखो 10 5 एंड ये हमने 5 जीसीडी कवर कर लिया। अब 4 कैसे आएगा? 4 आएगा जब हम 8 के साथ 4 को रखेंगे। ओके, 4 हो गया कवर। 3 कैसे आएगा? जब हम 6 के साथ 3 को रखेंगे। ओके, 3 हो गया। 2 कैसे आएगा? 2 आएगा ओके जब हम 4 के साथ 2 को रखेंगे। ओके, 4 के साथ 2 को रखेंगे। 1 कैसे आएगा? 1 तो आप 3 के साथ 1 को रख दें, या लेट्स से थोड़ा सा आसान हो जाए सवाल, तो हम 2 के साथ 1 को रख रहे हैं। ओके, अब देखो आप यहाँ से जीसीडी आएगा 5, यहाँ से जीसीडी आएगा 4, इन दोनों से जीसीडी आएगा 3, इन दोनों से जीसीडी आएगा 2, और इन दोनों से जीसीडी आएगा 1। तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज कवर कर ली हैं जिसमें जीसीडी 1 से लेके 5 तक सारे जीसीडी प्रेजेंट हैं। तो हमारा परमुटेशन कुछ दिख रहा होगा, 10 5 8 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1 एंड 6 3। ओके, तो ये बेसिकली हमारा परमुटेशन रहेगा। ओके, अब देखो करेंगे कैसे, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट, अब हम चलते हैं थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। ओके, अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ओके, मैंने इस केस में क्या किया था, हमने एक विजिटेड एरे बनाया, क्योंकि एन जो है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा 10 to the power 5 तक। ओके, तो एरे बनाया, विजिटेड एरे बनाया, कितने साइज का, 10 to the power 5 plus 1। ओके, एंड सारे हमने कर दिए फॉल्स इनिशियली। ओके, लेट्स से विजिटेड एरे हमारा इस केस में रहेगा अप टू 10 तक, ये हमारा है विजिटेड एरे। ओके, इस केस में एन इक्वल टू 10, जब एन हमारा 10 के बराबर है। ओके, अब लूप चलाएंगे हम 10 से लेके 1 तक। ओके, उल्टा लूप चलाएंगे, 10 को चेक करेंगे, 10 क्या विजिटेड है, नहीं विजिटेड है। ओके, तो 10 को आंसर में डालेंगे, अपने आंसर एक वेक्टर होगा हमारा आंसर। ओके, एक वेक्टर होगा जिसमें जिसमें 10 को हमने पुश बैक किया। देन हम चेक करेंगे क्या 10 इवन है, अगर इवन है तो हम उसे डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड किया 2 से, आया 5, तो 5 को चेक करेंगे क्या 5 विजिटेड है, नहीं है विजिटेड, तो हम उसे ट्रू मार्क करेंगे और 10 ऑलरेडी ट्रू हो गया होगा। ओके, एंड 5 को पुश बैक कर देंगे इधर, तब देखेंगे क्या 5 इवन है, मीन्स हम एक नंबर को पकड़ रहे हैं तो उसके सारे डिवाइजर को एक साथ पुश बैक करेंगे। ओके, लेट से अगर 8 होता तो 8 के बाद आएगा 4, 4 का डिवाइजर होगा 2 एंड 2 का डिवाइजर होगा 1, तो ये सारे एक साथ में पुश बैक करेंगे। ओके, अब देखो 5 हो गया ऑड, मीन्स अब डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम लूप को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारा लूप रहेगा 9 पे, 9 को चेक करेंगे, 9 विजिटेड है, नहीं है, विजिट करेंगे, 9 को पुश बैक करेंगे। ओके, 9 देखेंगे क्या इवन है, नहीं है, तो आगे बढ़ जाएंगे, लूप को आगे बढ़ाएंगे आई इक्वल टू 8 पे। ओके, अब देखेंगे 8 क्या विजिटेड है, नहीं है, विजिट मार्क करेंगे, 8 को पुशबैक करेंगे। ओके, फिर 8 इवन है, इवन है तो डिवाइड करेंगे, मीन्स डिवाइड करेंगे और कर देंगे 4, 4 को चेक करेंगे क्या विजिटेड है, नहीं है, तो ट्रू मार्क करेंगे एंड पुशबैक करेंगे। एंड देन 4 भी इवन है तो 2 को भी विजिट मार्क करेंगे और पुशबैक करेंगे, 2 भी इवन है देन 1 को भी मार्क करेंगे एंड पुशबैक करेंगे। ओके, तो ये सारे हमारे हो गए, कितने नंबर हो गए टोटल, 7। अब लूप हमारा जाएगा किस पे, 7 पे, 7 को चेक करेंगे क्या विजिटेड है, नहीं है, ट्रू मार्क करेंगे, पुश बैक करेंगे। ओके, अब देखेंगे क्या 7 इवन है, नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे, लूप आ जाएगा 6 पे, क्या 6 विजिटेड है, नहीं है। ओके, तो 6 को मार्क किया ट्रू एंड पुश बैक किया। ओके, फिर 6 इवन है तो डिवाइड करेंगे, इवन है तो अब देखेंगे क्या 6 डिवाइड बाई 2 मीन्स 3, 3 विजिटेड है, नहीं है। ओके, विजिट मार्क किया, पुश बैक किया 3, अब ये हमारा हो गया 3 ऑड आ गया, और इस केस में लूप आगे बढ़ जाएगा, मीन्स 5 पे आ जाएंगे, 5 को देखेंगे क्या विजिटेड है, विजिटेड है तो आगे बढ़ेंगे, फिर 4 पे जाएंगे, 4 विजिटेड है, आगे बढ़ेंगे, फिर 6 पे जाएंगे, 6 विजिटेड है, सॉरी, फिर जाएंगे 3 पे, 3 विजिटेड है, आगे बढ़ेंगे, 2 विजिटेड है, आगे बढ़ेंगे, 1 विजिटेड है, आगे बढ़ेंगे, तो हमारा लूप हो जाएगा कंप्लीट। ओके, अब आप बोलेंगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो एन स्क्वायर हो सकती है, एन स्क्वायर नहीं होगी, ये लूप चलेगा एन टाइम। ओके, और इसमें हर नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। ओके,
तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी एन लॉग एन, एन लॉग एन। अब एक बार कोड देखते हैं जल्दी से, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे स्कैन किया, देन बिजिटेड वेक्टर बनाया। बेसिकली मुझे यहाँ पे बूल लिखना चाहिए था, बट कोई ना। ओके, एन प्लस वन साइज का लूप को उल्टा चलाया, मीन्स एन से स्टार्ट किया और वन तक जाएंगे। ओके, वही चेक करेंगे क्या अगर ये विजिटेड नहीं है, मीन्स विजिटेड अगर फॉल्स है, दैट मीन्स हम इस पर विजिट नहीं किए, तब हम क्या करेंगे, इसे तो पुशबैक कर देंगे। ओके, इसे तो आंसर हम पुशबैक कर दिया, आंसर डॉट पुशबैक आई, और देन देखेंगे क्या जो अभी करंट जिस हम आई पे हैं उसे स्टोर कर लिया हमने टेम्प में, और देखेंगे जब तक ये इवन है तब तक हम पुशबैक करते रहें अपने आंसर में, और जब ये ऑड हो जाए, ऑड हो जाए उसके बाद ये पुशबैक नहीं होगा। मीन्स लास्ट ऑड जो नंबर रहेगा ना वो पुशबैक होगा, जैसे 10 के बाद 5 आया तो 5 पुशबैक होगा, लेकिन जैसे ही ऑड आ जाएगा तो उसके बाद इटरेशन रुक जाएगा। ओके, तो ये चलेगा लॉग एन टाइम और ये चलेगा एन टाइम। ओके, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ रहेगी एन इंटू लॉग एन। ओके, एंड देन फाइनली हम आंसर को प्रिंट कर देंगे। तो ये था गाइज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।